मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैंने ब्लॉग का स्टार्ट किया था आफ्टरनून से, तो आज मैंने स्टार्ट तो आफ्टरनून से किया था बट पूरे टाइम कंटिन्यू नहीं रख पाई। तो आफ्टरनून में हम जा रहे हैं फूड मार्ट, एशियन फूड मार्ट, और मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया यहाँ पे। मेरे हस्बैंड शॉक्ड हो गए क्योंकि उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि मैं आज ब्लॉग के मूड में हूँ। और मैं यहाँ पे ना थोड़ी सी नर्वस हो गई थी एक्चुअली। जैसे हम शॉप में एंटर हुए, काफ़ी ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे। और इस शॉप पे स्पेशली मैं आती हूँ इंडियन वेजीज के लिए, और यहाँ पे ना कोरिएंडर बहुत ही अच्छा मिलता है कंपेयर टू अदर शॉप जैसे कि वॉलमार्ट और सुपर स्टोर। यहाँ पे अच्छी क्वांटिटी में मिलती है और प्राइस भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अभी मैं आपको क्विक ग्रोसरी दिखाती हूँ। तो ये मैं लौकी लेके आई थी, साथ में कोरिएंडर है और काफ़ी फ्रेश मिल गए थे। इस बार हम लेट थे वैसे ग्रोसरी के लिए। और ये पंजाबी शक्कर है, और एक स्मॉल वाई वाई का पैकेट लाई हूँ। साथ में मैं यहाँ पे लाई थी डोसा का बैटर, और ये आंवला जिसके बारे में मैं बात कर रही थी। तो अभी ना मैं थोड़ी सी मेल प्रेप वगैरह करूँगी, इसके बाद मुझे वीडियो एडिट करने थे तो मैं वो सब कर ली। और शाम के टाइम ना फिर मैं बाहर आई थी। ये साइड एंट्रेंस काफ़ी गंदा हो रखा था एक्चुअली। अभी ना बारिश की वजह से प्लांट तो काफ़ी बड़े हो गए हैं, उसको भी अच्छे से अभी कटिंग करनी है। और ये साइड में ना काफ़ी वीड आ जाते हैं, तो जैसे ही स्टोन्स के बीच में है ना, बट दिखने में तो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं हमेशा ऐसे ही कभी फ्रंट वे, कभी साइड वे, कभी जो है गार्डन साइड में मैं मेनटेन करते रहती हूँ टाइम टू टाइम। और यहाँ पे सारे काम खुद ही करने होते हैं, तो इसीलिए एक ना प्रॉपर रूटीन अगर आप बना के चलो तो ऐसे कोई हैक्टिक नहीं लगता है। तो मेरा एवरीडे का ना क्लीनिंग का एक रूटीन है, जैसे कि मैं इंडोर और आउटडोर सब क्लीन करूँ। और मैं अपने लिए भी एक टाइमिंग बना के रखती हूँ, जिस टाइम में मैं रेस्ट करूँ उस टाइम में मुझे कहीं भी कोई काम नहीं करना होता है, बस रेस्ट करती हूँ। तो गार्डन की क्लीनिंग हो गई है, और अब मैं अपने लिए बनाऊंगी एक अच्छी सी चाय, अदरक इलायची और काली मिर्च वाली। तो ये मेरी फेवरेट चाय है। मैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा मसाले नहीं डालती हूँ, बट यहाँ पे लोग काफ़ी पूछते हैं कि मैं कौन सा मसाले चाय में यूज़ करती हूँ। और बस एक गर्मा गर्म चाय लेके और मैं बैठूँगी सुकून, ये मेरा रेस्ट टाइम है, मी टाइम। तो चाय पीते समय ना मुझे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, तो मैं अभी अकेले बैठ के अपनी चाय इन्जॉय करूँगी। तो आज मैं बनाऊंगी आंवले का मुरब्बा। तो जो मैं आंवला लेके आई थी ना आफ्टरनून में, तो उसी टाइम पे मैंने इसे स्टीम करके रख दिया था। तो चलिए मैं पूरे प्रोसेस दिखाती हूँ। मैंने आंवलों को ना अच्छे से फोक की हेल्प से पंच कर लिया था, स्पेशली जो उसके ऊपर और नीचे की पार्ट है ना वहाँ पर करने हैं। और इसके बाद इसे 10 मिनट मैंने स्टीम पे रख दिया था। तो ये मैंने आफ्टरनून में ही करके रख दिया था, और कि अच्छे से आंवले का पानी निकल जाए। आप चाहो तो इसे बॉईल भी कर सकते हो, बट मैं मोस्टली ना ऐसे इसे स्टीम करके ही बनाती हूँ, जिससे आंवलों में पानी भी नहीं जाता है और वो लॉन्ग टाइम तक टिक जाता है। और इसे बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ करूँगी गुड़। तो ये मैं जो पंजाबी शक्कर लेके आई थी ना, मैंने वो लिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं चीनी ऐड करूँगी। इसे टेस्ट इसका जो है टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, गुड़ और शक्कर दोनों का। और इसे थोड़ी देर मैं मेल्ट करने के लिए रखूँगी। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी ऐड किया था, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो अगर लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना तो आप पानी ऐड मत करना, इसे बस ढक के बनाना। तो मैंने बहुत थोड़ा सा ही पानी डाल दिया था। अच्छा, इस स्टेज पे ना थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि अच्छे से जो इसकी जो चाशनी है ना वो काफ़ी अच्छे से पक जानी चाहिए। तो मैंने ऑलमोस्ट 5 मिनट इसे ढक के पकाया था, जिससे गुड़ भी अच्छे से मेल्ट हो जाए। और इसमें ना मैंने छोटी इलायची की जो बीज होते हैं उसे कूट के डाला था। मुझे मुरब्बों में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली आंवले के मुरब्बे में।
और जैसे जैसे चाशनी पकती जाएगी ना, इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन मैंने इसे डिटेल में शेयर की है ये रेसिपी। और लास्ट में ना मैंने उंगलियों में थोड़ी सी पानी लगा के इसके बाद चेक किया, तो अभी मेरे कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं कर रहा है, बट इसमें ना एक तार जैसे एक लेयर बन रही है। और जब ऐसे बन जाए मतलब कि चाशनी बिल्कुल रेडी है मुरब्बों के लिए। तो अब मैं यहाँ पे जो मैंने आंवला बॉईल करके रखा था उसको ऐड करूँगी। और मेरे आंवला ना काफ़ी अच्छे से ड्राई हो गए थे, क्योंकि मैंने इसे 2-2.5 घंटे पहले स्टीम करके और रख दिया था ड्राई होने के लिए। तो बस आंवलों को अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा उसे मिक्स करोगे ना तो डेफिनेटली वो खुल जाएंगी। और आप देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ना फ्लावर जैसे बने हुए हैं। और आंवला ऐड करने के बाद मैंने 4-5 मिनट इसे कुक किया था, और बस मैंने ये ट्राई किया कि आंवलों पे एक अच्छा सा कलर आ जाए, क्योंकि चाशनी जितनी ही अंदर जाएगी उतना ही इसका अच्छा कलर आता जाएगा। तो अभी बस मैं डिनर बनाना स्टार्ट करूँगी। तो आज हमारे यहाँ डिनर में करेले का भरवा बन रहा है, और ये एक और रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने आफ्टरनून में करेले को पील करके और इसमें सॉल्ट अच्छे से लगा के रख दिया था, जिससे करेले का जो कड़वापन होता है ना वो निकल जाएगा और करेले का भरवा और भी टेस्टी लगता है, बिल्कुल कड़वापन नहीं आएगा। साथ में मैंने ये छिलका भी यूज़ किया है, इसमें वाटर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसे भी ऐसे मैंने रख दिया था 1 घंटे पहले करीब। और अभी ये प्रेजेंट टाइम है, तो फ्रिज से बस मैंने करेला निकाला और इसे अच्छे से वॉश कर लेंगे, और जिस साइड में हमने कट लगाया है ना उसकी तरफ से उसे उल्टा करके ड्राई करने के लिए रख दिया है। साथ में ये जो छिलके थे इसे 2-3 बार ना अच्छे 2-3 पानी से हमें अच्छे से वॉश कर लेना है, जिससे इसका भी जो है कड़वापन निकल जाएगा, और ये हम यूज़ करेंगे मसालों में। जब हम अनियन को सॉटे करेंगे तो इसे भी उसी टाइम पे ऐड कर देंगे मसालों के साथ। और भरवा मसाले के लिए मैंने यहाँ पे अनियन, थोड़ा सा सौंफ और जिंजर और थोड़ी सी हरी मिर्च ली है, और यहाँ पे मैंने बस इसको चॉपर के हेल्प से हल्का सा चॉप कर लिया है। और इसको मैं डायरेक्ट भी आप चाहो तो करेले के अंदर फिल कर सकते हो, बट मैं ना हल्का सा इसे सॉटे करूँगी। जो हमारे नॉर्मल स्पाइसेस होते हैं ना, टर्मरिक, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला एंड कोरिएंडर सीड्स मैंने ऐड किया है, जो भी थोड़ा सा दरदरा उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। स्पेशली आप इसमें सौंफ ऐड करना मत भूलिएगा, सौंफ से ना इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और मैंने करेले को अच्छे से फिल करने के बाद ये धागे से ना इसे अच्छे से लपेट दिया है, जिससे मसाले बाहर नहीं आएंगे। और थोड़े से मेरे पास मसाले बचे थे तो मैंने आलू के अंदर ऐसे सैंडविच की तरह फिल करके वो भी ऐड कर दिया। और यहाँ पे बस 5-10 मिनट में मेरे करेले भी बन के रेडी हो गए। और साथ में मैंने बनाया था तूर और मसूर की दाल, और बहुत सिंपली हल्दी नमक डाल के प्रेशर कुक कर लिया। और साथ में बस तड़कों में मैंने ऐड किया था ग्रीन चिली, अनियन, टमाटो और कोरिएंडर, इसका एक तड़का बनाया और दाल ऐड कर दिया। बस मेरे डिनर थाली ऑलमोस्ट रेडी हो गई। तो आज का ये रहा मेरा सिंपल सा थाली। और डिनर के बाद मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा कर्ड रख रही हूँ बनने के लिए। तो मैंने यहाँ पे 2% वाला मिल्क लिया है और इसे थोड़ा बॉईल कर लिया था। और इसके बाद मैं ना कर्ड जो है इंस्टेंट पॉट में ही बनाती हूँ, बस कर्ड मैंने लगा दिया और नेक्स्ट डे के लिए जो थोड़े बहुत मील प्रेप करने थे वो कर लिया, और बस किचन वगैरह क्लीन कर लिया। और बस आज के लिए इतना ही, और अब मैं जा रही हूँ आराम से एक अच्छी सी कोई मूवी देखूँगी, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप चाहो तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, सुमन लाइफस्टाइल नाम से मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, और सेम नाम से ही मेरी यूट्यूब की भी आईडी है, जिसे आपने में से बहुत लोगों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाएं। और आप अगर सब्सक्राइब करते हो चैनल को तो चैनल की ग्रोथ अच्छी होगी, और जिससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा अच्छी अच्छी वीडियोज़ और रेसिपीज़ लेके आने का।